अब हमने शुरू किया था, 1000 लोगों को नाम लिखाया था, कोई ज्वाइन नहीं हुआ। अगर मैं उस टाइम छोड़ देता तो मामा मना किया था, मामा का मान लेता तो, चाचा मना किया था उसका सुन लेता तो, दोस्त मना किया था उसका सुन लेता तो, रिश्तेदार मना किया था उसका सुन लेता तो, इतना तक की पत्नी मना की उसका सुन लेता तो, पड़ोसी मना किया उसका सुन लेता तो, क्या होता है बाबा? होता कुछ? अरे किसी का नहीं सुना, हमने किसी का नहीं सुना, सिर्फ गुरु का सुना, अपने का सुना, सिस्टम का सुना। आज उसका नतीजा है 3 लाख लोगों का नेटवर्क बना है। कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ लोगों को भरोसा होता है, कुछ लोगों को एहसास होता है, कुछ लोगों को महसूस भी नहीं होता है। विश्वास, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, और विश्वास नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास है तो आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं 13 साल के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा हूं, 13 साल में ऐसे ऐसे तूफानी आए, बोलते लगे सर हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या कर, तो रम खान लीडर आ गए, एक से बुद्धिजीवी आए, एक से पढ़े लिखे आए, एक से ज्ञानी आए, हर व्यक्ति को सिस्टम में साथ दिया, पर अचानक कुछ लोगों का ये क्या हो गया खराब। मैं ऐसे से लोगों को भी देखा हूं, इसलिए सिस्टम के ऊपर इतना विश्वास करना, भरोसा करना। मैं तो बोलता हूं मैं सिस्टम के ऊपर मैं इतना यकीन करता हूं, इतना विश्वास करता हूं, कैसे आपको विश्वास दिलाऊं? मैं लेबोरेटरी में जांच करने के लिए देखना, मेरे को लगता है सिर्फ मैं इतने सालों से सेसो बोलते आ रहा हूं, गुरु बोलते आ रहा हूं, पता नहीं आज कहीं लैब में टेस्ट भी होगा तो वहां पे सेसो पॉजिटिव गुरु पॉजिटिव मिले। आप क्या उतरना चाहते हैं? खरा उतरना चाहते हैं?
एक और चीज पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? यस सर। अब झगड़ा की बातें करते हैं, लड़ाई की बातें करें। यस सर। छेड़ने लड़ाई। यस सर। छेड़ने हैं। यस सर। क्या? यस सर। लड़ाई छेड़ने हैं। ईमानदारी से बताइए कितना आपके घर में लड़ाई हो रही है, कितने लोगों के घर में? कुछ लोग शर्मा रहे उनके घर में ज्यादा। जो ऐसे ऐसे हाथ उठा रहे हैं शर्मा के घर में तो सुबह से लड़ लड़ के ज्यादा लड़ाई है। हंसी वाला बात नहीं कर रहा, हकीकत में लड़ाई, हकीकत में लड़ाई। किसको सुनाएं, किसको बताएं, कौन सुनेगा? ऊपर भी देखता है, इधर भी देखता है, उधर भी देखता है। ये सब बात बोलना बंद कीजिए। आशीर्वाद आपको लगता है किसको सुनाएं, कौन सुनेगा, किसको बताएं? मैं बोलता हूं आज के बाद इस स्टेज से दावत ठोक के बोलता हूं, आप नहीं व्यक्ति सुनेगा। सुनेगा, शेर शोर से बातें कीजिए, सुनेगा आपका। लोग बोलता है यार चेक नहीं बनता है, चेक ऐसे से लोगों का बन रहा है। एक हफ्ता चेक नहीं बना, दो हफ्ता चेक नहीं बना, चार हफ्ता चेक नहीं बना, दस हफ्ता चेक नहीं बना, तुरंत दूसरा कंपनी का प्लान नहीं देखेंगे ना, नहीं देखेंगे, नहीं देखना है। साला 23 साल हो गया हिंदुस्तान में, 600 जवान क्या बूढ़ा हो जा रहे, फिर भी विश्वास नहीं। जय सिस्टम ने चना बेचने वाले को डायमंड बनाया, जय सिस्टम ने ऑटो चलाने वाले को डायमंड बनाया, इसी सिस्टम ने किसान को डायमंड बनाया, इसी सिस्टम ने ईंट भट्टा में काम करने वाला को डायमंड बनाया, इसी सिस्टम ने मजदूर करने वाला को डायमंड बनाया, इसी सिस्टम ने। और 2025 तक टिकना देखने के लिए, देखने के लिए टिकना टिकोगे? कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं सर रहेंगे कि नहीं, देखने के लिए टिकना 2025-2030 तक, क्योंकि 21 जून को क्या हुआ, लीगल होना नहीं होगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं उस चीज को, बता रहा हूं, जानना चाहोगे? ये वायस बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क, अगर इस टीम में महिलाएं नहीं होती, एक लेडीज नहीं होती, एक औरत नहीं होती, एक लड़की नहीं होती, एक बच्चा नहीं होता, तो आज जिस रफ्तार से वायस बिजनेस लीडरशिप ने 6 लाख का नेटवर्क को पार कर रहा है, शायद नहीं होता, नहीं होता। मैं सारे महिलाओं पुरुष जो भी है, सबसे ज्यादा महिलाओं को सैल्यूट मारता हूं। इतना दिक्कत होने के बाद भी जितने रफ्तार से एक महिला सेल निकाल सकती है ना, पुरुष नहीं निकाल सकता। मैं 13 साल का तजुर्बा बता रहा हूं। एक महिला क्या बोलती है उसको सेल देते हैं पुरुष, भूख भूख के बहुत सेल ही नहीं आता है।
नहीं आता रे बाबा, ट्राई करके देखना रे बाबा। जैसे घूम रहे हैं। तो आज के बाद आपके टीम में कोई महिला है, लेडीज है, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए और उनको आगे खड़ा कीजिए। आप उस चीज को समझना है, ठीक है, और सही तरीके से काम करना है। करोगे ना तो ये गलती भी मत करना, कुछ लोग कर देते हैं। मैंने कई लीडर को बोला, वहां जाके उस व्यक्ति को, उस लड़की को ब्रॉन्ज बनाओ, सिल्वर बनाओ, गोल्ड बनाओ, पता चला साला बीवी बना दिया। बोला गया ब्रॉन्ज बनाओ, सिल्वर बनाओ, गोल्ड बनाओ, बीवी बना दिया। क्या बोला जाता है, कड़वी सच्चाई है। अगर आप इस चीज को समझोगे, सही तरीके से अमल करोगे, तो इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाओगे। ठीक है, करोगे अमल करोगे, करना है। अब महिलाओं से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में कोई ऐसे बब्बर शेरनी है जो कि प्रमोशन लेना चाहती, पर्ल से ऊपर का प्रमोशन होगा, है दम नहीं है क्या? आपका दम को कौन खा गया है बब्बर? है कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो लोग दिखाएंगे नहीं, करके करके दिखाएंगे ना, हकीकत में पूरा करेंगे। करोगे ना, उस चीज को समझना है, करना है सारा कुछ। तो जितनी भी बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इन बातों को समझना है, ठीक है? यस सर। रोने से पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। रोने से नहीं आएगा। किसी के घर में आता है तो मुझे भी ले लीजिए। आता है? आता है? नहीं आएगा ना? तो आज के बाद चिंतन मंथन करना है। करोगे? आज सारे रात चिंतन मंथन करना है। करोगे ना? किस लिए चिंतन मंथन करोगे? और डेट लिख लेना, कब कब क्या चाहिए। करोगे? बोलना नहीं है, करना है, ठीक है? और कल जो ट्रेनिंग मिलेगा, जो जो आप गलती करते हो ना, वही ट्रेनिंग, ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये ट्रेनिंग आपके लिए ही बनाया गया है। जो जो लोग गलतियां करता है ना, वही ट्रेनिंग कल सुनने के लिए मिलेगा। और आपको लगेगा कि आजाद सर मेरे लिए तो बोल रहे हैं, हाँ गलती करता है इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे एहसास होगा। और इस काम के अंदर कामयाब होना है सेफ शॉप के अंदर, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ सकते हो? कितने साल? 10 साल। बस मर जाएगा और क्या। दूसरा आर्या प्लेट बना लेंगे सर। क्या बना लेंगे? दूसरा में प्लेट बना लेंगे। प्लेट और खास करके उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनका नेटवर्क नहीं चल रहा है, अंदर लेके जाइएगा बारूद, अंदर मार जाएगा, अंदर बारूद लेके जाइएगा अंदर, ठीक है? यस सर। और फटना कहीं और, यहाँ मत फटना, ठीक है? कई लोग यहाँ से बारूद लेके जाएंगे, सीख के जाएंगे, मुझे पता है कई लोग तो पंचर भी हो जाएंगे, पंचर मत हो जाना, ठीक है? और कई लोग ये भी सोचेंगे, और आपको तीन पूरा ट्रेनिंग खत्म होते होते आपको एहसास हो जाएगा, काश
मेरे साथ इतने लोग आए रहते, मेरे टीम वाले लोग इतने होते, मैं उनको ट्रेनिंग सुनाता, मैं सुनता और मिलकर हम लोग प्लानिंग बनाते और आगे निकल जाते। या आपको ट्रेनिंग खत्म होते होते एहसास हो जाएगा और अगले टाइम से जहां भी टीएसएससी होगा सबसे ज्यादा भीड़ आपका टीम होना चाहिए, आपका टीम होना चाहिए, आपका टीम। तो भीड़ डालने का भीड़ हमने भी जबरदस्ती लोगों को लाता था, आज भी लाता है साला, चल चल लाना पड़ता है। हमारे अपलाइन बोले इतना लाना है तेरे को, मैंने कभी मना नहीं किया, तार लाएंगे सर, बांध के लाएंगे, कुछ भी करके लाएंगे सर, पर लाएंगे सर, घर भिजवा देंगे, ट्रेनिंग में लाएंगे सर, क्योंकि उसके घर में खुशियां देना चाहते हैं सर। ऐसे प्लान देने आप प्लान कैसे दे रहे हो, प्लान देने का कला क्या करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो करते नहीं, घर तो छुटता नहीं, बीवी छुटता नहीं, पति छुटता नहीं, रात में बोलता है सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, भूतनी के क्या प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है, स्टेज में बोलता है ये नहीं चलेगा रे बाबा, प्रैक्टिस बार 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 उसी चीज को प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हजार बार बोलो बोलो सर मुझे इस बार प्रेजेंटेशन का मौका दीजिए, ऐसा प्रेजेंटेशन करूंगा करूंगी, सारा लोग यहां जो बैठे रहेंगे थर्रा जाएंगे, टॉप जाएंगे और मेरी बातों को सुनकर सब जॉइन कर जाएंगे सब। ऐसे मत करना सर, इस बार ना मत चल भेजिए सर, मत भेजिए, अपलाइन जबरदस्ती धक्का दे के चला गया बोल। नमस्ते दोस्तों, ये बिजनेस शुरू हुआ था और यहाँ खत्म हो गया। ज्वाइन करेगा तो ध्यान देना है, ठीक है, जब भी किसी को स्टेज में चढ़ाओगे रात में इतना तैयारी करवाओ, बोल बोल बोल, बोलेगा सर बोलना नहीं आता सर, डर मेरा अपलाइन मुझे भी बोलते हैं, अरुण सर को जानते हैं, मेरे अपलाइन में रोहित सर ने मेरे को सिखाने के लिए भेजे, बोले तुरंत निकल आ रहा है संजय, तो कदर करना है सारा कुछ करना, जाना मैं सोच रहा हूं पता नहीं कहां से आ रहा कि मैं गया अपलाइन को लेने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म में, मैं अपलाइन को ढूंढ रहा हूं, अपलाइन मुझे एक बार इधर पार हो गए, फोन करते करते फिर इधर पार हो गए, साला चार पांच बार में अपलाइन ना मिले और मेरे अपलाइन को डाउनलाइन ना मिले, फिर ऐसे करते करते थक्का है कि बन। मैंने भी बोला देखते चलिए, फिर आवाज आया, आवाज उनके मोबाइल से संजय, सॉरी सर नहीं हूं सर, मैं बोला यार ये बच्चा क्या कर दिया है। मैं बोलूं
को चिल्ला के बोलो सर ये क्या भेज दिया सर। मैं प्लान बोले गुरु भेजा है मदरसे गुरु। मेरे प्लान ने सुनो सर बोले ऐसा गुरु भेजा हूं यही से बिजनेस होगा शुरू और ऐसा शुरू बिजनेस हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। आपसे पहले ज्वाइन किए हैं नॉलेज में आपसे ज्यादा है हमको रिस्पेक्ट मान सम्मान। अगर मैं अपने अप्लाइंट का रिस्पेक्ट नहीं करता कदर नहीं करता मेरा टिकट आज का था आज आने का। अचानक मेरे को फोन किए सर संजय आना पड़ेगा। अगर मैं सोचता यार गुरु भी क्या है गुरु को पहले पता था पहले नहीं क्यों बोले मैं गुस्सा करने लगता मैं चिड़चिड़ाता। मैंने मन में सोचा कुछ बड़ा मिलने वाला है जल्दी उड़ जाओ जल्दी बढ़ जाओ। तो गुरु जहां भी बुलाए आना है ठीक है। अगर मैं नहीं आता कल क्या बात हुआ दो चार दिन क्या क्या ट्रेनिंग हुआ ये जुबान है ना हर बार वही सब थोड़ी ना निकलता है क्या निकलता है। और लास्ट में एक और बात बता के जा रहा हूँ जानना चाहोगे हम और आप क्या है वॉरियर कहेंगे उसके अलावा आदमी की जानवर है इंसान है ना। इंसान होने के नाते कोई भी इंसान मान लिया जाए 99% डिसीजन वो सत्य ले सकता है। यस सर ले सकता है यस सर। अगर आपको टोकने वाला आपको रोकने वाला कोई ना रहे तो इंसान होने के नाते क्या पता 1% डिसीजन आप गलत भी ले सकते हैं पता नहीं लगेगा। तो 99 के ऊपर भारी पड़ जाएगा सारा मेहनत। इसलिए अगर आपके पास कार नहीं है तो कार के मामले में आप गरीब हैं। घर नहीं है तो घर के मामले में आप बड़ा। सोच नहीं है तो सोच के मामले में गरीब है। सोना चांदी नहीं है तो उसके मामले में जमीन नहीं है तो उसके मामले में है ना है कि नहीं है है ना। जब आपके अपलाइन हमारे अपलाइन सब लोग आपके अपलाइन में जब भी कोई ज्वाइन होता है तो लिखवाते हैं ना मोबाइल लैपटॉप कार गाड़ी बंगला सब लिखवाते हैं ना। क्यों लिखवाया जाता है जानना चाहोगे ये सब के मामले में हम गरीब होते हैं और ये सब चीज एक एक चीज पूरा होते जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सब चीज लिखने के बाद एक और चीज ऐड कर दीजिएगा अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप गुरु के मामले में भी क्या है गरीब है। और यकीन रहिए जो इंसान गुरु के मामले में गरीब है तो क्या बोल सकते हैं। इसलिए गुरु का रिस्पेक्ट मान सम्मान करना पड़ेगा ना। बातें समझ में आ गया तो सब कुछ लिखने के बाद एक और चीज क्या लिखना है गुरु। मैं तो बोलूंगा सबसे पहले जब भी लिस्ट बनवाते हो ना गुरु के मामले में उससे पूछो आपने सबसे खतरनाक गरीब हो किसके मामले में बोलो गुरु के मामले में लिख गुरु होना चाहिए। गुरु को मोबाइल लैपटॉप का सब लिखवाओ और एक एक चीज गुरु का सब कुछ बातों में गाइड पे चलते जाएगा पूरा हो गया नहीं हो गया ना। तो समझ में आ गया सारा बातें। तीन बातों को समझने की जरूरत है तो करोगे। जितने भी बातें मैंने बोला समझ में आया। मैं पुराना डायलॉग बार बार बोल रहा हूँ आज भी बोल के जा रहा हूँ सुनना चाहोगे
बनना चाहोगे? जिसको लगता है अंदर वही बनता।